वेल गाइस, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। यह गाइस, आज हम एक प्रोफेशनल लोगो बनाने वाले हैं यूट्यूब के लिए। तो इस लोगो को बनाने के लिए हम पिक्सलेट एप्लीकेशन का यूज करेंगे। ये एप्लीकेशन आपको अपने प्ले स्टोर से मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको पहले अपने मोबाइल में पिक्सलेट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा होगा, उसको फिलहाल हमें डिलीट कर देना है। तो आपको लेफ्ट साइड में डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आपको डिलीट कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, सेव पर क्लिक करना है। और यहाँ आपको राइट साइड में सेव का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक के राउंड को सेलेक्ट कर लेना है और उसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है, लाइक दिस। फिर उसका कलर चेंज करना है, तो आपको यहाँ कलर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आपको इसे ब्लैक कर लेना है, फुल ब्लैक। फिर यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। फिर हमें क्या करना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, फिर से सेव पे क्लिक करना है और सेम प्रोसेस यहाँ से राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और उसके एपेसिटी को यहाँ ज़ीरो कर देना है। फिर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ स्ट्रोक विड्थ को यहाँ अराउंड 15 कर लेना है, कुछ इस तरीके से। और उसका कलर यहाँ से वाइट कर देना है, लाइक दिस। फिर यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। फिर क्या करना है, ये वाइट रिंग है उसको कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है और यहाँ बीचों बीच प्लस कर देना है, थोड़ा सा छोटा करना है और थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ बीचों बीच प्लस कर देंगे। बीचों बीच प्लस करने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला हेक्सागोनल सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ आपको रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करके छोड़ देना है। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि हमारा जो वाइट रिंग है वो सही से प्लेस हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, एक यूट्यूब का लोगो ऐड करना है। तो इस लोगो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो पहले आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक यूट्यूब का लोगो सेलेक्ट करना है। तो लोगो ऐड हो जाने के बाद उसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ प्लेस कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसकी एक कॉपी बनाना है। तो आपको यहाँ राइट साइड में कॉपी का आइकन दिख जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और उस कॉपी यहाँ ऐड हो जाएगी। तो इस कॉपी को यहाँ रहने देना है और हमने जो पहले लोगो ऐड किया उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से उसका कलर चेंज करना है। तो आपको राइट साइड में कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और उसे इनेबल कर देना है, तो वो पूरा आइडर रेड हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, उसको वाइट कलर कर देना है, फिर यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। अब हमें क्या करना है, हमारे चैनल का नेम ऐड करना है। तो यहाँ आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ आप देख सकते हैं एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा। तो उस पर आप डबल क्लिक करके अपना चैनल का नेम डाल देना है। तो नेम ऐड हो जाने के बाद फिर लोगों को जस्ट नीचे आपको यहाँ प्लेस कर देना है। और अब हमें क्या करना है, हमारे जो चैनल का नेम है उसका फॉन्ट चेंज करना है। तो यहाँ आपको ये वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ आपको डबल ए का आइकन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। तो आज हम यूज़ करने वाले हैं मीम फॉन्ट, तो आपको यहाँ मीम फॉन्ट मिल जाएगा, उसे सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। तो हमने जो फॉन्ट ऐड किया उसमें बराबर से जगह नहीं है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा स्पेस क्रिएट करना है। तो यहाँ आपको स्पेसिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और उसे अराउंड 10 तक कर देना है, कुछ इस तरीके से 8 तक। और यहाँ लोगों के नीचे प्लेस कर देना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और यहाँ जस्ट लोगों के नीचे प्लेस कर देना है, यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। और अब हमें क्या करना है, इन सभी को आपस में मर्ज करना है। तो आपको यहाँ लेयर वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ नीचे आ जाना है, फिर यहाँ क्लिक करके इन सभी को चेक मार्क करना है, पहले वाले YouTube लोगों को चेक मार्क करना है और दूसरे वालों को छोड़ देना है। फिर यहाँ अपने चैनल का नेम को चेक मार्क करके यहाँ क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सभी एलिमेंट्स है आपस में जुड़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे लोगों में जो व्हाइट कलर है उसको रिमूव करना है। तो यहाँ आपको हेक्सागोनल सेक्शन में आ जाना है और यहाँ ऑरेंज कलर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करना है और उसे इनेबल कर देना है। तो व्हाइट कलर है वो रिमूव हो जाएगा और टॉलरेंस को
बड़ा लेना है, 25 तक कर देना है और यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। अब हमें क्या करना है, पहला वाला जो लोगो है हमारा उसको सिलेक्ट करना है और इससे जस्ट हमारा जो लोगो है पहला वाला उसके ऊपर प्लेस कर देना है कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ ऑरेंज कलर में आ जाना है और उसे इनेबल कर देना है। तो हमें रेड कलर को रिमूव करना है, तो आपको यहाँ ड्रॉपर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और उसको यहाँ रेड वाले कलर पे फिक्स कर देना है। फिर यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है और टॉलरेंस को यहाँ भी 25 तक कर देना है कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है और अब जो हमारा प्ले का आइकन है उसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और उसे इनेबल कर देना है और यहाँ से आपको उसे फुल ब्लैक कर देना है। फिर यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मर्ज करना है, तो सेम प्रोसेस यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करके दोनों को चेक मार्क करके यहाँ क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से बैक हो लेना है और अब हमें क्या करना है, उस पर एक टेक्सचर डालना है। तो यहाँ आपको पहले लोगो को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ एग्जैक्ट सेक्शन में आ जाना है और यहाँ आपको टेक्सचर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है। ये जो टेक्सचर है वो उसका लिंक भी मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हो, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से टेक्सचर को ऐड कर देता हूँ, गोल्डन टेक्सचर है। टेक्सचर ऐड हो जाने के बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है और यहाँ आपको मेंटेनेंस रेशियो को इनेबल कर देना है। फिर यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे जो लोगो है उसमें 3D शेप देना है। तो यहाँ आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ आपको 3D शेप का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और उसे इनेबल करना है। तो हमारे लोगो में 3D शेप क्रिएट हो जाएगा। बट आप देख सकते हैं हमारे जो लोगो में 3D शेप सही से प्लेस नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ करना है, लोगो की साइज को कुछ इस तरीके से जूम इन जूम आउट करना है जब तक कि ये सही से प्लेस ना हो जाए कुछ इस तरीके से, और उसके डेप्थ को यहाँ 1 कर लेना है। फिर यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है और अब हमें क्या करना है, इम्बोज में जाना है। तो यहाँ आपको नीचे इम्बोज का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और उसे भी इनेबल कर देना है। फिर यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ आपको कुछ पैरामीटर सेट करना है, बेवल 14 है तो आपको यहाँ उसे 1 कर देना है। फिर यहाँ आपको स्पेकलर हार्डनेस को राउंड 50 तक कर देना है कुछ इस तरीके से, और इंडियन फ्लैट को यहाँ 65 तक कर लेना है कुछ इस तरीके से। फिर लाइट एंगल को क्या करना है, थोड़ा सा कम कर देना है कुछ इस तरीके से ताकि हमारे लोगों में काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन आ सके, 68 तक। फिर यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। अब हमें क्या करना है, हमारे जो लोगो है उसमें कलर फिल्टर करना है, काफ़ी डल लग रहा है तो उसको चमका लेना है। तो आपको यहाँ कलर ऑप्शन का मिल जाएगा कलर फिल्टर का, तो यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आपको सेचुरेशन को अराउंड 7 कर देना है और कॉन्ट्रास्ट को 13 तक कर लेना है, 12-13-40 चलेगा। फिर यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो लोगो है वो बन चुका है। अब हमें क्या करना है, एक बैकग्राउंड लगाना है। तो आप जो मैं बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको कोने में डबल स्क्वायर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और यहाँ फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देना है और यहाँ से मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ और बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है। तो आपको यहाँ उसकी जगह को चेंज करना है, तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है तो ये इनसाइड आ जाएगा और यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। फिर हमें क्या करना है, लोगो को कुछ इस तरीके से यहाँ बीचों बीच प्लेस कर देना है लाइक दिस कुछ इस तरीके से। तो ऑलमोस्ट हमारा लोगो का काम है वो खत्म हो चुका है। तो वो बन जाने के बाद लोगो को सेव करने के लिए आपको यहाँ फाइल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करना है और यहाँ सेव एज इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ आपको डायमेंशन में कस्टम लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके यहाँ अल्ट्रा को सिलेक्ट करना है ताकि हमारे जो लोगो बनाए उसकी क्वालिटी अच्छी मिल सके। इतना करने के बाद आपको यहाँ सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। तो आई होप यू गाइज हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।